फाइनली हम लोग अर्थुना पहुंच चुके हैं और आई थिंक हमने तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास एरिया कवर कर लिया है। ये है अर्थुना, यहाँ का मेन एंट्री गेट, और ये यहाँ पे एंटर होते ही ये भारतीय पुरातत्व के अंडर आता है। और मैं काफ़ी बार आया हूँ लेकिन उसका वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया है, तो आज मैं पूरी डिटेल में आपको टूर करवाऊँगा। और यहाँ पे हनुमान जी महाराज साक्षात है, बांसवाड़ा ज़िले के अर्थुना, ये बांसवाड़ा ज़िले के अंदर आता है। और ये वागड़ वंश में, उस टाइम वागड़ के जो परमार वंश थे, परमार वंशों ने काफ़ी सारे जैन और शिव धर्म के काफ़ी ऐसे मंदिर जो यहाँ पे बनाए हैं। और यहाँ पे मस्त सुंदर सा ये पगडंडी भी है और आसपास हरियाली भी देख रहे हो। और अंदर जाके हम दिखाएंगे आपको बहुत भगवान शिव का, यहाँ पे ये मंदिर पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है। और साथ में 1000 साल पहले तकरीबन दादा का यहाँ पे हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई उसकी वजह से। और यहाँ पे शनिवार को रविवार को इतने श्रद्धालु आते हैं, मैं आपको टोटल डिटेल में अंदर जाके बताता हूँ। तो ये कुछ यहाँ का माहौल। तो पहले फाइनली क्या करते हैं कि पहले थोड़ा हाथ पैर वगैरह धोते हैं, एंड हाथ पैर धोने के बाद आपसे मंदिर बाद में मिलेंगे, ठीक है। पहले हाथ पैर हमने धो लिए है, अंदर चलते दर्शन करते और फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे फाइनली अर्थुना के अंदर हमने हाथ पैर वहाँ से धो लिए और अब चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे साक्षात हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, मूर्ति थी। और ये है दादा की साक्षात मूर्ति, जो मैं पहले आपको थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं। हमने ऑलरेडी दर्शन कर लिए है, तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है दादा से। और काफ़ी शनिवार को रविवार को काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और तकरीबन मैं 4-5 बार आया हूँ लेकिन मैंने कभी उसका वीडियो नहीं बनाया, मैं फर्स्ट बार बता रहा हूँ। और ये है शिवलिंग है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में आई थिंक जगह थोड़ी सी छोटी है, उस कारणवश यहाँ से अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं मेरे ख्याल से। और तो थोड़ी सी जानते हैं डिटेल में क्या क्या था महाराज जी, बताइए क्या क्या था ये? 10वीं शताब्दी के हैं, परमार वंश। बराबर, परमार वंश के, परमार वंश की राजधानी थी। अच्छा, छुपकर के नाम था। बराबर, तो परमार वंश की राजधानी थी। हाँ, परमार वंश। तो मतलब ये मंडलिक के द्वारा बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। उसका रोज का नियम था एक शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, उसके बाद में अनुग्रहण करना। बराबर, मंदिर बनते रहते। हाँ, और एक शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोज होती है। बराबर, अच्छा है। तो आप यहाँ से पैदल जाओगे त्रिपुरा सुंदरी तक, सब शिव जी के अवशेष मिलेंगे। अच्छा, तो हमारा वही प्लान है, त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे शिव मंदिर है ना? हाँ, तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको, दर्शन करते हैं। और ये नंदी महाराज की मेरे ख्याल से खंडित हो गई है मूर्ति, ये पुरानी है। और जय भोलेनाथ। तो ये भगवान भोलेनाथ की, ये पुराने टाइम में ये आप अवशेष वगैरह देख सकती हो, बहुत पुराने हैं कुछ इस तरह से, और काफ़ी पुराने पुराने मंदिर बने हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग के द्वारा ये सारे जितने भी है ये शिव मंदिर उस टाइम 1000 वर्ष पहले ये मेरे ख्याल से बनाए थे, गूगल ऐसा कहता है, मैंने भी गूगल में पढ़ा है। ये भी शिव मंदिर है एक, और थोड़ा सा डिटेल्स में मैं बता देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से मंदिर का नक्शा है पीछे का। और यह मंदिर का आप नक्शी काम देखोगे ना, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है।
और आगे कुंड वगैरह भी है, और यहाँ पे भी देखते हैं, ये है कुंड। क्या कर रहे हो भाजी, सफाई काम? सही है। तो यह है भाई साहब कुंड। अर्थना में प्राचीन मंडलेश्वर शिवालय मुख्य है, उसके अलावा विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महावीर आदि मूर्तियों वाले मंदिर भी है। उसके अलावा एक बड़ा सा कुंड है जो मैंने आपको दिखाया, 2 फीट बड़ा शिवलिंग है जिसकी जलधारी 3 फीट गोलाई वाली है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। बहुत और ये है परमार वंश की राजधानी भी कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे ये कुछ, ये पता नहीं, ये लगता है शिव मंदिर है, तो यहाँ से पानी वानी जाता होगा। ये बहुत पुराने, ये मतलब पुरातत्व के विभाग के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही दुर्लभ है। और कभी कभी ये भी यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है। और ये एंट्रेंस होते ही ये नंदी महाराज, और अंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर। अच्छा, हर हर महादेव। तो यहाँ पे भी ये पूजा अर्चना होती है। उसके अलावा नज़दीक में भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ये कुंड बना है, उसका कुंड का क्या है महत्व उसके बारे में नहीं, लेकिन अंदर जलाशय भी है मेरे ख्याल से, वो तो भी देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइज ये यहाँ पे भी ये छोटा सा एक शिवलिंग है, और ये जलाशय के अंदर है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और पीछे वाला जो मैंने आपको कुंड बताया, उसके अंदर भी काफ़ी सारा पानी है। आई थिंक वो नीचे से धरा होगा, उस धरा से आता होगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को। और देखते हैं यहाँ पे भी, और ये वाला पानी, ये भाई साहब ये जो पानी है वही शिवलिंग के अंदर भी जाता है। तो देखते हैं। और खूबसूरत सा माहौल यहाँ पे चारों ओर। अभी तो इतना लोग दर्शनार्थी नहीं आते बिल्कुल, क्या कि अभी हम लोग संडे को, आज मंडे हो गया, तो मंडे को इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन मेरे ख्याल से सैटरडे होगा या ट्यूसडे को यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। और उसका नक्शी काम से लेके आप देखो तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में ऐसा, ये दादा का जो मंदिर है, ये 1000 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा की थी, और उसके बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, जो भी जितनी भी मन्नत मांगते हैं यहाँ पे पूरी होती है खास करके। तो लोग उसी लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। और काफ़ी मंदिर अभी भी पुराने टाइम से, अभी पुरातत्व विभाग ने उसका थोड़ा सा मेंटेन करके रखा है। और काफ़ी ऐसे शिलालेख आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे, मैं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलो फाइनली मैं आपको पूरी डिटेल इसकी बताता हूँ। अर्थुणा राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, एक छोटा सा शहर है। और अर्थुणा 11वीं 12वीं सदी से जुड़े नष्ट जैन और हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। 11वीं शताब्दी के दौरान वागड़ के परमार शासकों की ये राजधानी रही है, ऐसा कहना है। और उन्होंने काफ़ी जैन और शिव धर्मों का संरक्षण किया है। और अर्थुणा में कई प्राचीन मंदिर और मूर्तियाँ खुदाई के टाइम उस टाइम निकली थी, जो पुरातत्व विभाग को वैश्विक कीमती और दुर्लभ मानी जाती मूर्तियाँ मिली थी। और अर्थुना में, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारे अलग अलग मंदिर है। और परमार वंश के राजा, चामुंडा राजा के शिलालेख में दर्ज है कि उन्होंने
मदालेस नामक शिव मंदिर को 1080 के आसपास बनाया था उनके पिताजी के सम्मान में। और 1080 में एक शिलालेख में बताया गया है कि अनंतपाल नाम के उनके अधिकारी बेटे भी शिव मंदिर की स्थापना की थी। तो फाइनली हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिए और पेड़ के नीचे बैठे, और ये रहे हमारे भाई। और हमने मंगवाया है भाई गन्ने का जूस, पीते हैं। और ये 10 रुपये का एक ही है, और सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो पीते हैं। और वैसे भूख तो लगी नहीं है, आगे कुछ कोई ढाबा होगा तो देखेंगे, खाने का कुछ प्रोग्राम करते हैं। कितने बजे टाइम क्या हुआ? 2 बजे। दो बजे खाएंगे, अभी तो 1 बजा है, तो आराम से खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं आगे जाके। अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग बनने वाला है। प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो। फाइनली हमको यहाँ पे रूम मिल गया है माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में, और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। ये सब खाते हैं और पूरी डिटेल्स में आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में ढेर सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।